कुछ सॉफ्टनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये थर्टीन अक्टूबर के हाई के ऊपर सस्टेन करते ऊपर जाना चालू करते इन सच केस 107.30 से 108.00 का जो नेक्स्ट माइनर रेजिस्टेंस जोन है वहां पे ये टेस्ट कर सकते हैं सो so, हमें देखना है आफ्टर करंट कंसोलिडेशन क्या ये ट्वेल्थ के लो के नीचे कंटिन्यू करता है ये थर्टीन के हाई के ऊपर सस्टेन करते हैं डॉलर रुपी एज यूजुअल साइडवेज कंसोलिडेशन इज गोइंग ऑन यहाँ पे हमें इंतजार के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं कुछ ट्रिगर पॉइंट्स के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा आइदर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट और या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन क्या होता है उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा जी डॉलर कंसोलिडेशन यहाँ पे लो लेवल पे चल रहे हैं अभी कल का एक जो नेगेटिव कैंडल दिया था इसके हाई के ऊपर हल्का सा पॉजिटिविटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेन पॉजिटिविटी होगा आपका इलेवेंथ अक्टूबर के हाई के ऊपर अगर क्लोज दे देता है इन द मेन टाइम ऑल्सो ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है इसके ऊपर अगर क्लोज दे देता है अंडर दिस टू सीनरी जी बी पी डॉलर में थोड़ा पॉजिटिविटी देख सकते हैं अदरवाइज साइडवाइज यहाँ पर भी चल रहे हैं जीबीपी आईएनआर सिमिलर साइडवेज कंसोलिडेशन यहां पे पिछले दो तीन दिन से चल रहे हैं अभी ट्वेल्थ के हाई के ऊपर क्लोज एंड कंटिन्यू करना है ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर भी कंटिन्यू करना है इन सच ए केस जी बी पी एन में हम पॉजिटिविटी कुछ देख सकते हैं एल्स साइडवेज कंसोलिडेशन इन द मीन टाइम ये आपका थर्ड एंड फोर्थ अक्टूबर के लो के नीचे जाना नहीं चाहिए नहीं तो नया लो के लिए प्रोसीड कर सकते हैं यूरो डॉलर सिमिलरली यहाँ पे हल्का ये इमिडियट ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है इसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा एंड ऑल्सो आपका ये ट्वेल्थ ऑक्टर के हाई के ऊपर कंटिन्यू करना पड़ेगा अगर यूरो डॉलर का रिशिपियर को हमें ऊपर की तरफ मूव करने एक्सपेक्ट करना है तो यूरो आयनर सिमिलरली ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है इसके ऊपर कंसोलिडेट करना पड़ेगा एंड आल्सो 12th अक्टूबर के हाई के ऊपर कंटिन्यू करना पड़ेगा तभी जाके कुछ पॉजिटिविटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डॉलर येन मींस 150 के नजदीक जाके खड़ा हुआ है बंदा ना ही येन एप्रिशिएट कर रहा है ना ही डिप्रिशिएट कर रहा है यहां पे BOJ का एक हप हाई हैंडेडनेस एक्सपेक्ट कर रहे लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है तो कंसोलिडेशन होने देते हैं प्राइस एक्शन तो सेलिंग के लिए दिख रहा है एज ऑफ नाउ ऑन डेली टाइम फ्रेम बट वीकली एंड मंथली काफी स्ट्रॉन्ग है तो डेली टाइम फ्रेम में जब तक ये आपका थर्ड अक्टूबर के नीचे नहीं जाता है तब तक थोड़ा सा मीन्स सॉफ्टनेस हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ये एन आई पे भी ये बॉटम आउट करने के लिए काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहा है लेकिन रिजल्ट नहीं दिख रहे सो यहां पर भी इंतजार के अलावा कुछ कर नहीं सकते डॉलर कैंडी ये आपका थोड़ा सा साइडवेज इन बिटवीन 1.37 एंड 1.3550 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है एक बार इधर साइड ब्रेकआउट पे ऊपर की तरफ वन पॉइंट थ्री एट का रिजिस्टेंस एंड नीचे के तरफ वन पॉइंट थ्री फोर फाइव जीरो का सपोर्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कौशी डॉलर पे जैसे कि हमारा एक्सपेक्टेशन था ये कैंडल के बाद अक्टूबर के कैंडल के बाद ये अगेन इट्स फॉल्स ऑन द लोअर साइड द केस आर हायर पॉसिबिलिटीज पॉइंट फाइव के तरफ अगेन मूव कर सकता है एंड उसी के डायरेक्शन में चल रहे हैं सी एन एच कंसोलीटेट कर रहे हैं पीबी उसी जब तक हाई हैंड्रेडनेस के साथ यहाँ पे रुके खड़े हुए हैं तब तक ये सी एन एच में हम फर्दर डे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ऑल्सो चाइनीज इकोनॉमी में जब तक पॉजिटिविटी नहीं आता यहाँ पे, भी हम कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जी भी आ, उसके बाद ब्रांड कोड कल एक अच्छा खासा पॉजिटिविटी आ, में कल एक हल्का सा नेगेटिव कैंडल बना हुआ था लेकिन आज मॉर्निंग से एक ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार कर रहा है जैसे ये सिक्सटीन अक्टूबर के हाई के ऊपर जाएगा तो एक और अप, अप मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा न्यूज बेस्ड चल रहे हैं डिपेंडिंग ऑन दैट मीन्स द ये इसराइल जो वार का माहौल बना हुआ है वहाँ पे मिडिल करेंगे नहीं करेंगे ईरान ज्वाइन करेंगे पार्टिसिपेट करेंगे नहीं करेंगे इसके ऊपर दोनों जैसे जैसे न्यूज़ आता रहेगा वैसे वैसे बहुत सारे मूवमेंट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं so, सो यहाँ पे इवेंट एंड न्यूज बेस्ड मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये यूएस स्टैंड ट्रेजरी काफी कल अच्छा खासा उछाल देखा गया फोर अभी है ये प्रीवियस स्विंग हाई को टेस्ट किया हुआ है यहाँ पे ऑल दो कल एक अच्छा खासा पॉजिटिविटी देखा गया है लेकिन आर एस आई में स्ट्रेंथ नहीं है केस यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्टनेस हम आशा कर सकते हैं ज्यादा कुछ सॉफ्टनेस नहीं हल्का सा सॉफ्टनेस में वीटवर्स फोर पॉइंट सिक्स जीरो की तरफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ये आपका टू ईयर ट्रेजरी फाइव पॉइंट वन नाइन ये भी जो स्विंग हाई है वहाँ वहाँ पे जाके ये चैलेंज कर रहा है यहाँ पर भी आर एस टेस्टिंग आर एस आई एट सिक्सटी सो यहाँ पे क्या ये सिक्सटी को रेजिस्ट करके फिर दोबारा हल्का सा सॉफ्ट हो सकता है तो तरफ, ये हमें देखना पड़ेगा करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा और ट्वेल्थ अक्टूबर के लो के नीचे थोड़ा सा सॉफ्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं थर्टीन अक्टूबर के हाई के ऊपर ऊपर की तरफ एक स्ट्रेंथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जी डॉलर पर भी एक साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है ट्वेल्थ अक्टूबर के हाई के ऊपर एंड ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर एक पॉजिटिविटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड ये आपका टर्टीन अक्टूबर के लो के नीचे इमीडिएट स्विंग जो लो है उसको चैलेंज करने के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूरो डॉलर में भी सिमिलरली ट्वेल्थ अक्टूबर के हाई के ऊपर एंड ऑल्सो ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर एक पॉजिटिविटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड थर्टीन के लो के नीचे ये जो इमीडिएट स्विंग लो दैट इज वन 50 ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डॉलर येन में ये बैठे हुए 150 में इंतजार कर रहे हैं कब BOJ आके ये हैवी हैंडेड के साथ हाई हैंडेडनेस के साथ इंटरव्यून करेंगे सो so, इतना ही अभी के लिए आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपका अच्छा लगा होगा इफ सो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए एंड ऑल्सो शेयर एमंग योर फ्रेंड्स थैंक यू एंड बाय बाय